खबर अलीगढ़ से, प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से भाजपाई ने थाने में जमकर हंगामा काटा। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। सोशल मीडिया पर युवक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने दो दिन पहले शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया और हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी युवक को थाने से छोड़ दिया, जिसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने थाना प्रभारी के कक्ष में जमकर हंगामा काटकर नारेबाजी की। इस दौरान थाना प्रभारी के कमरे में रखी कुर्सियां बाहर निकाल दी, वहीं थानाध्यक्ष की कुर्सी पर भारत माता की तस्वीर रख दी गई। इस बीच थाना प्रभारी प्रवेश राणा से भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की जमकर नोकझोंक हुई। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं मोदी योगी के साथ धार्मिक नारे भी लगाए। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की मांग की थी। वहीं थाना कुआरसी प्रभारी ने धारा 268-505 के तहत फेसबुक आईडी के आधार पर गगन कुमार के नाम मुकदमा दर्ज किया था। गगन पर आरोप है कि अपनी फेसबुक आईडी पर पीएम मोदी को लेकर अशोभनीय फोटो और पोस्ट डाली थी। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने नामजद आरोपी को जेल भेजने की मांग रखी थी। वहीं हल्की धाराओं में पुलिस पर कार्रवाई का आरोप लगाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने थाना कुआरसी में जमकर हंगामा काटा। इस मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी की गई थी, जिस पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को कुआरसी पुलिस ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की गई थी। वहीं घटना को लेकर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। परसों फेसबुक के माध्यम से मैंने एक पोस्ट देखी कि गगन कुमार के नाम से एक आईडी है, उस पर मोदी जी का अभद्र चित्र लगाया गया और उस पर अभद्र टिप्पणी की गई। मैंने देखते ही अपने कुछ युवा साथियों को थाने बुलाया और एक FIR दर्ज कराई। तो इन्होंने 2-3 घंटे तो FIR दर्ज कराने में लगा दिए। जब हमारी एक जिले की बैठक थी तो वहाँ पे हमारे सारे मंत्री और हमारे सारे विधायक प्रतिनिधि वहाँ पर थे जिले की जिला कार्यालय पर। तो प्रभारी मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी के सामने मैंने सारा रखा, ये प्रकरण रखा, तो उन्होंने सीधा कप्तान साहब से बात करके और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया। तो उस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट तो कर लिया लेकिन दूसरे दिन उसे छोड़ दिया। मुझे पता चला कि उसका मोबाइल भी जब्त नहीं किया गया। जब मैंने आईडी पर देखी उसके पर वो पोस्ट यूँ की त्यों पड़ी हुई थी, उसकी देखी देखा 8-10 पोस्टें और पड़ गई। तो इसका मतलब है कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता रहेगा, कोई कानून किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। FIR दर्ज की लेकिन उन्होंने न कोई छोटी मोटी धाराओं में मुझसे ये कहा गया कि 120B लगाएंगे, लेकिन जब FIR की कॉपी मैंने देखी उसमें 120B थी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, सबके कानून सबके लिए बराबर है। अब तक जी 124 से सुन लो, एक सवाल हो जाने दो, जितना सवाल करो आपसे ही करूँगा। हाँ बोलिए। कानून सबके लिए बराबर है, धारा छोटी बड़ी नहीं, जो एक्ट कहता है वो होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो पुलिस ने लगाई उसमें धारा है, क्या उसके एक्ट के हिसाब से नहीं लगाई? नहीं, क्या मानते हैं आप? नहीं, उसके हिसाब से नहीं लगाई, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के सबके हैं, राज्य के हैं, सब प्रदेश जनमानस के भड़काने वाले हैं, राजद्रोह लगना चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा कि हम 124 या बी जो भी है राजद्रोह की धारा लगाएंगे, तो हम यहाँ से चुपचाप अपनी एक FIR दर्ज करा के और चले गए। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि SHO की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर रखने का क्या मकसद? ऐसा है कि हम आए तो उससे 2 मिनट पहले ही मेरी फोन पर बात हुई कि हम आ रहे हैं, बोले ठीक है आ जाइए। हमने यहाँ कर देखा तो ये थाना छोड़कर भाग गए। जब कुर्सी खाली पड़ी है तो हमने भारत माता की तस्वीर को वहाँ रखना उचित नहीं, उचित उचित समझा। धर्मी भाई, आपकी पार्टी की सरकार है, पुलिस बेलगाम है, थाना शासनी गेट में भी प्रदर्शन करना पड़ा, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या मानते हैं? योगी जी ने पुलिस को काफी छूट दे रखी है क्या? नहीं, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए छूट दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। जो यहाँ हम आज बैठे हैं ये एकदम बिल्कुल क्लियर दर्शाता है, अन्यथा हमें यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी की गई, प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की गई, या किसी भी
छोटे मोटे आदमी के खिलाफ नहीं, आपकी सुनवाई नहीं, आपकी सुनवाई, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है कि क्या सुनवाई हो रही होगी, आप क्यों नहीं जाते, नहीं क्यों नहीं जाते, हमने तो FIR दर्ज यहां कराई है, यहां के माध्यम से हम SSP से बात करेंगे, इंस्पेक्टर के खिलाफ कौन कार्रवाई करा, मैं जानना चाहता हूं, कप्तान साहब करेंगे तो फिर वहां क्यों नहीं जाते, कप्तान साहब के अभी जाएंगे, आपकी नहीं सुनवाई हो रही है तो जनता का क्या हाल होगा, हां तो यही तो थाने में तमाम फरियादी यहां खड़े हुए अपनी बात लेकर के, उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही, आप यहाँ 2 घंटे से थाने में बैठे हुए हैं, तो क्या माना जाए, हम भी तो फरियादी लेकर आए हैं, हम कौन से यहाँ पर मारपीट लड़ाई झगड़ा करने आए हैं, कब तक बैठेंगे आप लोग, कब तक बैठेंगे, जहाँ पर स्पष्ट एकदम स्पष्ट है कि उस पर 124A जो भी राजद्रोह की धारा लगाकर उसको अगर जेल भेजने का कार्य नहीं होगा, हम जब तक यहाँ भेजेंगे बैठेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर इनको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं थाने में बैठकर, तो ये हमें जेल भेज दे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। भाई साहब यार मुकदमा लिखा जाता है आप लोगों के खिलाफ, तो क्या करेंगे, लिखा मुकदमा हम किस बारे में लिखा जाएगा, हम किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को मारपिटाई कर रहे हैं, कोई काम कार्य में बाधा कर रहे हैं, हम जैसे आम आदमी आता है कहना है सरकारी काम में बाधा डाल, कहाँ है, हम राष्ट्र में आए हैं या नहीं, नहीं कहाँ कहाँ बाधा, हमने कोई जान माल का नुकसान किया या किसी को गाली गलौज की या किसी के क्या कार्य करने से रोका, हम जैसे आम जनमानस आता है ऐसे ही हम आए, ऐसे ही वहां पर कुर्सियां कम थी, ऐसे ही कुर्सियां कम थी वहां पर, आदमी मशा ज्यादा थे, हमने कुर्सियां उठाकर भादक दी, वहीं बैठ गए, अगर युवा मोर्चा के ऊपर मुकदमा दर्ज होता तब क्या करेंगे, थाना खाली करने का काम करेंगे, कैसे थाना खाली कर देगा, नहीं थाना कैसे खाली, थाना हमारा है हम तो खाली करेंगे, नहीं थाना हमारा है हम, भाई तो कुर्सियां कम थी, नहीं कुर्सियां कम थी फिर क्या करते, हमने कुर्सियां ही तो उठाई है, थाना क्या खाली कर दिया हमने, सवाल धर्मवीर फिर एक कोई उठाया जी, आपकी सरकार आपकी सत्ता थाना अध्यक्ष आपकी बात नहीं सुनना तो आपको कहाँ जाना चाहिए ये बताइए, हम अपने क्यों आए आप ये जानना चाह रहे हैं, हमने ये कोशिश की कि एक बार पुनः प्रयास कर लें कि इनकी समझ में आ जाए, उसको ऑफिस कब घेरेंगे बताइए, अगर नहीं कार्रवाई हो रही हम नहीं घेरेंगे, हम तो बात करने जाएंगे, थाने से ही आप बता दीजिए कि आप कब जाएंगे कप्तान से मिलने, हम बात रखने आए, हम नहीं बात रखेंगे, अरे ये पड़ाव कब तक रहेगा, कौन सा पड़ाव, जब तक समस्या का समाधान न हो जाए। अलीगढ़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।